ग्लैमर वर्ल्ड में ऐसा कौन होगा जो मनीष मल्होत्रा को नहीं जानता होगा। पिछले 30 साल से उनका नाम बॉलीवुड की टॉप सेलिब्रिटीज की पर्सनैलिटी, खूबसूरत कॉस्ट्यूम से और निखारने के लिए जाना जाता है। कियारा आडवाणी हो या करीना कपूर खान, उर्मिला मातोंडकर हो या प्रीति जिंटा, सभी ने दुल्हन के तौर पर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन ड्रेस पहनना ही पसंद किया। फैशन डिजाइनिंग से हटकर अब दुनिया जल्दी ही मनीष के एक और हुनर से दो चार होने जा रही है, वो है फिल्म डायरेक्शन की नई पारी का आगाज करना। 56 साल के मनीष और किसी के नहीं बल्कि अपने खास दोस्त करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन से डायरेक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस फिल्म के निर्माण में टी सीरीज के भूषण कुमार भी सहयोग करेंगे। बताया जा रहा है कि ये जज्बाती म्यूजिकल लव स्टोरी होगी। बॉलीवुड में ऐसी बज है कि ये फिल्म दिवंगत एक्ट्रेस और ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानी जाने वाली मीना कुमारी की रियल स्टोरी पर बेस्ड हो सकती है। कहा जा रहा है कि लीड रोल के लिए कृति सेनन का नाम फाइनल हो गया है। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर मनीष मल्होत्रा को नई पारी के लिए बधाई दी, साथ ही अपनी मां श्रीदेवी और मनीष की एक फोटो भी शेयर की। जानवी ने लिखा, बधाई मनीष मल्होत्रा इस नए सफर के लिए, आपकी नॉलेज और फिल्मों के लिए आपका प्यार। ऐसे में आप जो जादू करेंगे उसका दुनिया के साथ मुझे भी शिद्दत से इंतजार है, ये बहुत खास होने जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भव्य स्तर पर बनाई जाने वाली इस फिल्म की बैकड्रॉप पार्टीशन के वक्त की होगी। फिल्म की कहानी भी मनीष मल्होत्रा ने लिखी है। वहीं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में मनीष मल्होत्रा की फिल्म मीना कुमारी पर बेस्ड होने का हिंट दिया गया है। मीना कुमारी को पाकीजा फिल्म के लिए हमेशा याद किया जाता है। इस फिल्म की रिलीज के कुछ ही हफ्ते बाद 31 मार्च 1972 को 38 साल की उम्र में ही मीना कुमारी का निधन हो गया। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही थे। कमाल अमरोही से रिश्ते में खटास की वजह से ही मीना कुमारी का फिल्म फूल और पत्थर में काम करते वक्त धर्मेंद्र की तरफ झुका हुआ था। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था। उन्होंने 3 दशक के लंबे करियर में करीब 90 फिल्मों में काम किया और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। मनीष मल्होत्रा की फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन अभी से बॉलीवुड में इसको लेकर हाइप शुरू हो गया है। देशनामा के लिए खुशदीप सैगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।